नमस्कार, आपका शहर आपकी खबर देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं आयुषी नेगी। तो पूर्व शिक्षा मंत्री और अजमेर से भाजपा के विधायक वासुदेव देवनानी ने आज एक प्रेस वार्ता में मांग की है कि रीट पेपर लीक मामले में बोर्ड के बर्खास्त अध्यक्ष डीपी जारोली को तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए। देवनानी ने कहा कि बर्खास्तगी के बाद जारोली का जब पहला बयान सामने आया तो उन्होंने स्पष्ट रूप से इस बात को स्वीकार किया था कि राजनीतिक संरक्षण में ही पेपर आउट हुआ है, जिसके बाद जारोली को अंडरग्राउंड कर दिया गया है। देवनानी ने कहा कि रीट प्रश्न पत्र लीक मामले का खुलासा तभी संभव है जब जारोली सामने आए और उन्हें गिरफ्तार कर एसओजी उनसे पूछताछ करे। देवनानी ने आरोप लगाया है कि इस पूरे मामले में राजनीतिक संरक्षण के चलते ही बड़े लोगों को बचाने का खेल चल रहा है। इस अवसर पर देवनानी ने मंत्री सुभाष गर्ग पर भी निशाना साधा और कहा कि जो तथ्य अभी तक सामने आए हैं वो स्पष्ट कह रहे हैं कि प्रश्न पत्र लीक मामले में राजीव गांधी स्टडी सर्किल के पदाधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, लेकिन ऐसी स्थिति में मंत्री सुभाष गर्ग को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि इस पूरे मामले में मंत्री सुभाष गर्ग की भूमिका संदेह के घेरे में है, लेकिन जब तक इस मामले की जांच एसओजी कर रही है तब तक किसी भी राजनेता और मंत्री का नाम सामने नहीं आ सकता है। कांग्रेस के कानों पे जूं तक नहीं रेंग रही है, यहाँ तक के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जो चेयरमैन है जारोली, उसको बर्खास्त करने के बाद भूमिगत कर दिया गया है। मेरी मांग है कि जरा उनको सरकार गिरफ्तार, एसओजी गिरफ्तार करे और गिरफ्तार करके उनसे पूछताछ की जाए तो काफ़ी चीज़ें उजागर हो सकेंगी। राजीव स्टडी सर्कल के जो मालिक हैं, उसके जो अधिष्ठाता हैं सुभाष गर्ग, ये तार वहाँ तक गए हैं, क्योंकि एसओजी या राजस्थान पुलिस न तो सुभाष गर्ग से पूछताछ कर सकती है, न सीएम से कर सकती है, न डोटासरा से कर सकती है। इसलिए हमारी मांग है कि सीबीआई से जांच हो और इस मांग को हम लगातार लड़ते रहेंगे जब तक सरकार मजबूर होकर के सीबीआई से इंक्वायरी नहीं करवाती।